क्या कर रही थी? उसके बाद क्या ऑर्डर मिले थे और क्या निर्णय हुए? मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि धार्मिक स्थल हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, कोई भी जगह पे भीड़ नहीं होना चाहिए। कल मेरी बात सीएम ऑफिस से हुई, मुख्य सचिव साहब से हुई, और ये सब बात होने के बाद में विश्वस्त मंडल ने ये डिसीजन लिया कि श्रद्धालु के लिए आज दोपहर 3 बजे से दर्शन बंद रहे। आवाज बंद कर बाकी प्लीज जल्दी आना तो कल वो रिवर कोरोना के नजर रखते हुए थमो सर एक मिनट ये अनुभव वर्ग है क्या लगा ओके रोल हां सर बोला कोरोना के मद्देनजर रखते हुए साहिबा विश्वस्त समिति ने ये डिसीजन लिया है कि आज दिनांक 17 मार्च दोपहर 3 बजे से मंदिर अगले जानकारी तक बंद रहेगा। इतना ही नहीं कि मंदिर परिसर पूरा बंद रहेगा, मंदिर प्रसाद चलाता है वो भी बंद रहेगा, भक्त निवास वो भी बंद रहेगा, और जो भी पूजा आचार है और जो भी धार्मिक विधि है वो धार्मिक विधि हमेशा के तरह वो चालू रहेगा। नहीं, इसके मंदिर बंद रहेगा इसका मतलब सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा क्या है? मंदिर बंद रहेगा इसका मतलब यही है कि कोई भी आदमी जो है श्रद्धालु है, भक्त है, वो यहाँ दर्शन करने नहीं आ सकता है, लेकिन मंदिर में पूजा है, आचार है, उसका धार्मिक विधि जो है वो चालू रहेगा। गुरुवार की पालकी के बारे में क्या होगा? पालकी में जो है कि जो पालकी निकलती है कि गाँव के लोग रहते हैं उसमें हम सिर्फ पूजा के लोग पालकी निकालेंगे और कम से कम तो 4 या 5 लोग ही उसमें पालकी में रहेंगे। सर, इसके साथ ही जो भोजनालय है और बाद में रूम से उसमें देखिए मंदिर अगर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए इसका मतलब है कि हम प्रसादालय भी बंद कर दें। इतना ही नहीं, जो भक्त निवास जो है, जो भक्त अभी आए हैं उनको ये हम बोलेंगे कि आप शाम को जो है भक्त निवास खाली कर दो। जो प्राइवेट लॉजेस है, होटल्स जो है, उसके लिए भी जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हो चुकी है, वो भी डायरेक्टर्स उन्होंने निकाले हुए हैं। और पूरे गांव में कोई भी जगह पे भीड़ नहीं रहेगी। इसके मद्देनजर कोई जमावबंदी का आदेश भी शिरडी में लागू किया गया है? जी, ये तो मैंने नहीं किले साहब कहेंगे, लेकिन अपन थोड़ा सा खाली करें तो जमावबंदी का मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है अभी। सर, भक्तों को क्या अपील करेंगे? भक्तों में ये अपील करूंगा कि ऑनलाइन दर्शन जो है वो चालू है, लाइव टेलीकास्ट उसका चालू है, तो भक्तों ने वहीं पे घर पे बैठे बैठे अपना साई को नमन करना चाहिए, साई का आशीर्वाद लेना चाहिए। सर, जो हजारों कर्मचारी है आपके साइट्रस के पास, तो क्या उन लोगों को भी मंदिर में किस तरह से मतलब फील किया जाएगा? उनको छुट्टी दी जाएगी या चल रहा है? कौन है जो भी कर्मचारी है किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी? उस समय में पूरी साफ सफाई जो है उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इतना ही प्रेस प्रेस तो कुछ पुराने इश्यूज जो है, पेंडिंग इश्यूज जो है उस पर डिस्कस करेंगे, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चालू रहेगा।